फैंस मुझे कमेंट में मैसेजेस कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रीडिएटर से ज़रा पूछ ले कि वो गेम में कैसा आया है और कब शुरू किया उसने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। और अभी हम उठ गए और चेंज तो नहीं किया है लेकिन थोड़ा ख़ुद को सेट कर लिया और नाश्ते के लिए जाएंगे। प्रीडिएटर और मोटू लोग ने सुबह सुबह हमसे पहले ही नाश्ता किया था क्योंकि रात को उनको नींद नहीं आ रही थी तो वो सारी रात गेम वगैरह खेल रहे थे। अभी हमें कहे कि सोते, हमने कहे बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे, एंजॉय करेंगे। तो अब जाएंगे नाश्ते के लिए। तो हमारे साथ साथ दे रहे हैं समद और जीशान और शर्जील गाड़ी में, तो आइए। दो प्लेट अंडे दूंगा, एक दो प्लेट दूंगा जिसमें चार अंडे होंगे और हमें चाहिए तीन अंडे। अच्छा, पर ये बंदा अब इसको, और आपने इसको क्या कहा कि जुल्म कर रहे हैं? जुल्म कर रहे हैं ये जब्बार लोग। हमें एक प्लेट में 10 पी खिला सकते हैं, एक पी खिला सकते हैं यार, हम 5 पी खिला सकते हैं, एक एक प्लेट में दो अंडे। गाइस अभी हम निकल रहे हैं अयूबिया और नत्या गली वगैरह के लिए, तो एक ड्रोन शॉट हो जाए तो देखिए। गाइज अभी हम गाड़ी में बैठ गए और सफ़र शुरू हुआ है और आप देख सकते हो एनर्जिक में सब, और पीछे प्रीडिएटर और निक्सी सो रहे हैं क्योंकि रात को उन्होंने नींद को पूरा नहीं किया था। तो चलते हैं फिर। पहुंच गए यहाँ पे हम अयूबिया में और दिल तो कर रहा है कि लिफ्ट में चले जाए। आप देख सकते हो लिफ्ट में चले जाए और एक चक्कर उसमें भी लगाएंगे। और मोटू को फैन भी मिल गए, प्रीडिएटर के फैन भी मिल गए, वो आपको मैं शॉट दिखाऊंगा। बर्फबारी है, थोड़ी बहुत स्लीपिंग है, मास्क के बगैर छह लिफ्ट पर नहीं बिठाते। यहाँ पे सुपीस पे बहुत ख्याल किया जा रहा है जी भाई, कोरोना की वजह से। जी भाई कोरोना भी ज्यादा बढ़ गया इधर। अच्छा, तो इधर भी है? हाँ इधर भी है ना कोरोना, लोगों की हिफाजत के लिए। ठीक है, सही है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस अभी हम लाइन की तरफ जाएंगे और लाइन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और ये तकरीबन यहाँ पर खड़े होंगे। चलिए लाइन में खड़े हो जाए जल्दी जल्दी, और लोग भी आते शाम। तो गाइस तकरीबन 30 मिनट हो गए लाइन में खड़े हुए और अब भी रहता है काफ़ी, और ये आप देख सकते हो पीछे और साइड पे बहुत लंबा लाइन है। तो एक्साइटेड है, देखते हैं फिर। यार तो गाइस
मास्क उतार लेंगे। तो गाइस अभी हम बैठ गए लिफ्ट में, कैसा लग रहा है समद भाई? बहुत मजा आ रहा है, अभी ऊपर जाएंगे और अच्छा अल्लाह खैर करे। गाइस ऊपर पहुंच गए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और ये आप देख सकते हो बंदे लगे हुए काम में, बातें कर रहे हो, तस्वीरें खींच रहे हैं, तो फिर सीन हो जाए कुछ और ड्रोन शॉट भी हो जाए, सही है। ये आप देख सकते हो बच्चे शूटिंग कर रहे हैं, मेरे फैंस मुझे कमेंट में मैसेजेस कर रहे थे और कह रहे थे कि क्रिएटर से ज़रा पूछ ले कि वो गेम में कैसा आया है और कब शुरू किया उसने, तो कुछ बताए उसके बारे में आप? यार गेम तो मैं तकरीबन यार करीबन 6-7 साल से खेल रहा हूँ, तो जितने भी गेम आती थी मोबाइल में मैंने सारी खेली है और उसके बाद इस मतलब मैंने जो स्टार्ट किया था PewDiePie को देख के जब वो पबजी खेलता था मोबाइल पे आई, फिर मोबाइल पे जो है ना खेलने लगा वो पबजी मोबाइल खेलने लगा और फिर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला ना कि मतलब कंटेंट मतलब मैंने डाला तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, फिर मैंने अच्छा, फिर गेम खेलने के बाद कितने अरसे बाद आपने चैनल बनाया? गेम खेलने के बाद मैंने तकरीबन 3-4 महीने बाद ही बनाया था चैनल बनाया था। और सबसे पहले कौन सी वीडियो वायरल हुई थी? मेरे सैंडक में हुई थी तकरीबन 32 के लाइक। अच्छा कितना व्यूज आया था? 100K+ आए थे, 200 के इस तरह। जबरदस्त। अच्छा और अपने फैंस को क्या पैगाम दोगे कि वो पबजी में आए या नहीं आए, और जब अगर आए भी तो कैसे आए? यार देखो पबजी से अगर कुछ हासिल कर सकते हो फिर आओ, वरना बहुत गंदी एडिक्शन है यार, वरना नहीं करना चाहिए स्टडी वगैरह, टाइम पास के लिए बंदा खेल ले थोड़ा स्ट्रेस वगैरह खत्म होता है। अच्छा और ये भी बताए कि मतलब कैसे मैनेज करते हो घर के काम गेम के साथ, टाइमिंग क्या होती है, और इसके अलावा मतलब इसके साथ स्टडी वगैरह और दुनियावी और चीज़ें भी होती है? पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खेलता था लाइक दिन रात सिर्फ पबजी, अभी जो है लाइक थोड़ा मतलब लेवल कर दिया सारी चीज़ों को, अलग स्टडी को अलग टाइम देता हूँ, जब मैं खेलता हूँ पबजी सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग करते वक्त खेलता हूँ, बाकी टाइम फैमिली को देता हूँ मतलब जो भी घर वाले और स्टडी को थोड़ा बहुत जिम वगैरह फिजिकल फिटनेस। अच्छा ये बताए कौन से कॉलेज में पढ़ते हो या स्कूल? मैं तो अभी रूट्स इधर पढ़ता हूँ इस्लामाबाद में। अच्छा और इलाज उधर। अच्छा और रहते कहाँ पे हो? ये भी मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। तो गाइस बस ये आप लोग के लिए मैंने इतना किया, और तो हमें भी कुछ आइडिया नहीं है कि क्या सवाल करूँ। और लास्ट सवाल, गर्लफ्रेंड शादी कब करोगे? यार देखो गर्लफ्रेंड वाले सवाल तो जवाब तो मैं दूंगा नहीं, खैर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो स्किप करते हैं। हाँ वो स्किप करते हैं, बाकी शादी इंशाल्लाह जब थोड़ा सा सेटल हो जाता है बंदा। और कितना सेटल होगा लेके? नहीं मतलब यार अभी मेरे से एक बड़ा भाई भी है तो करेगा, 3-5 साल लगेगा। चलिए ठीक है, बस ठीक है गाइस इतना। चाय और लानी है? और रिकॉर्डिंग सिस्टम दे रिकॉर्डिंग ऊपर आगे शेफ साहब की है ना दावाली दाश। तो भाई एक को टेस्ट करो कि मजा आता है कि नहीं। हाय 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 चस्सा। तो जी अभी चिप्स आ गए और साथ में कॉफ़ी आई, कॉफ़ी और बहुत मज़ा आएगा, अब हम इसको खाएंगे। अगर आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो तो फ्यूचर में चलिए डाला हुआ है वो। तो गाइस पकौड़े वगैरह खा लिए और अभी कुछ ड्रोन शॉट हो जाए यहाँ अयूबिया के, तो चलिए। हाँ।
दस्टार्ट तो वाला स्लिप की दबा के दोबारा फिर से लाइन में खड़े हो गए और हालात दो घंटे के लिए फिर से वेट करना पड़ेगा। और क्या कहते हो प्रीडेटर्स? यार बस लाइन तो बहुत लंबी है, तकरीबन घंटा आधा घंटा लगेगा हमें यार। तो फिर क्या करें यार, बस इधर नहीं कर सकते, गपशप ही लगा, गपशप लगा सके थोड़ा, इधर उधर नजरें खूबसूरत कर लेंगे। व्हाट डू यू मीन? नहीं कोई नहीं, वो खूबसूरती बहुत नजर आएगी। अच्छा ठीक है, ग्रीनरी शीनरी। कैसा लगा? बेस्ट यार, बहुत मजा आया। ऊपर से नीचे नीचे, हाँ पहले हवा में उड़ रहे थे फिर जमीन पे उतर आए। कैसा लगा उसे? तो बहुत ही डर भाई, पहले तो ये हुआ कि आईडिया का पता अभी बोल नहीं सकता इसके, कोई नहीं। सेन ब्रो कैसा लगा? आवाज ही आ रही। तो गाइस अभी हम वापस आ गए और गाड़ी में बैठ गए, तो अभी हम जाएंगे अपने कमरे की तरफ वापस मरी। और यहाँ खूब इंजॉय किया और बस जाना पड़ रहा है, तो क्या कर सकते।